नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो एक देखा जाए तो एक NBFC कंपनी है। तो इसके ऊपर मैं लगातार जो आपको अपडेट शेयर करता रहता हूँ कि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी एक बहुत पुराना कंपनी है। 19 सेंचुरीज में 1986 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। और बेसिकली कंपनी के जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट के रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर ही फाइनेंस करते हैं। तो रेलवे जितने सारे फाइनेंस होते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली काम यही कंपनी करते हैं, तो इसलिए कंपनी मार्केट से 100% पैसा उठा पाते हैं। देखिए NBFC में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर आपको जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपको देखने को मिल जाएगा, मगर इस कंपनी के ऊपर आपको NPA नहीं दिखेगा, एकदम ना के बराबर दिखेगा। क्योंकि इस कंपनी जो पैसा कस्टमर को देते हैं वो कस्टमर रेलवे गवर्नमेंट है। अगर वो पैसा कोई भी कॉरपोरेट को, कोई भी पब्लिक को अगर देते तो वो पैसा जरूर डूब, मतलब बहुत सारे पैसा डूब जाते हैं और बहुत सारे पैसा NPA हो जाते हैं। तो इस तरीके से बैंक्स के ऊपर, NBFC कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल चुके हैं। तो बेसिकली जो कंपनी का जो डिटेल्स है, जो डेटा है, मैं उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला, और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 30 के 34 के आसपास है। ROC ROE में मुझे जो बेस देखने को मिला वो है ROE, क्योंकि ROE सब सारे कंपनीज के ऊपर देखना चाहिए, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 के आसपास है। तो बेसिकली कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था। अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए किस तरीके से पी रेशियो को हाई किया। हाँ, मान लेते हो कंपनी पी रेशियो अभी हाई है तो कंपनी यहाँ से करेक्शन हो सकते हैं, उसी का नज़र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी इतना लंबा सा जर्नी करने के बाद कंपनी के ऊपर कभी ना कभी तो रुकना चाहिए था। अभी देखिए एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी जब इतना लंबा जर्नी किए थे उसके बाद देखिए यहाँ पे एक करेक्शन हुआ था और यू टर्न मिलिया, और उसके बाद बिग जर्नी हुआ। फिर से देखिए वही उसी तरीके से स्ट्रेटेजीज को वो रिपीट कर रहा है, यहाँ पे फिर से यू टर्न ले रहा है, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए मैंने क्या किया, एक लेवल मैंने आपको मेंशन किया, एक रेंज आपको मेंशन किया, इस रेंज तक ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा कोई एंट्री लेवल नहीं है, मैं एंट्री कब लूंगा, यहाँ पे जब यहाँ पे एक कप बनेगा, तो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा, तो कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं IRFC के ऊपर मैं अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू जरूर करूंगा, फिलहाल के लिए मेरा इंतजार ही ठीक ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न ना दिखे तब तक एंट्री लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। तो आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सबसे मज़ेदार बात है कि म्यूचुअल फंड ने पूरा का पूरा क्वांटिटी को बेच दिया, ना के बराबर होल्डिंग है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि म्यूचुअल फंड ने माल बेचकर भाग गया तो कंपनी तो बेकार होगा। देखिए एक्चुअली कंपनी के प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है, तो प्रोमोटर जब तक खुद के होल्डिंग को ना बेचेंगे तब तक कंपनी के ऊपर प्रेशर तो बनता रहेगा। तो 86% होल्डिंग जो प्रोमोटर के पास है उनमें से 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास होना चाहिए, तो बाकी जो 11% का जो होल्डिंग है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा। तो प्रोमोटर अगर बेचेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इंस्टीट्यूशन के हिसाब से FSK और DS के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स हैं वो देखकर आप जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक कोई एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है BSC लिमिटेड। देखिए BSC लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कुछ दिनों से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिला था, और एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था करीबन 13% के आसपास। और वो करेक्शन किस लिए हुआ था मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, अभी इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इस तरीके से न्यूज हमेशा आते रहेंगे, तो इसको देखकर आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि जो न्यूज़ BSE के ऊपर नेगेटिव के हिसाब से सोच रहे हैं वो BSE के एक्चुअली नेगेटिव है ही नहीं। क्योंकि कंपनी के सेबी ने क्या किया, सेबी ने एक अपडेट लेके आया कि जो जो चार्जेस है उसको एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब ट्रांजेक्शन जो चार्जेस है
उसको बीसी को ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या बीसी खुद के जेब से देंगे? बिल्कुल नहीं। जो लोग ट्रेडर है, जो लोग इन्वेस्टर है, उसी के जेब से लेकर वो देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी कभी खुद के तो घाटे में नहीं चलेंगे, कंपनी खुद के बिजनेस में तो खुद के जेब से पैसा भरने वाला नहीं है। क्योंकि मान के चलिए आज कोई भी कंपनी, मान के चलिए आज आप बिस्किट खा रहे हैं, क्या बिस्कुट का प्राइस 10 साल पहले जितना था आज भी इतना है? आप कहेंगे सर हाँ सेम टू सेम, सेम टू सेम है। पार्ले जी का बिस्कुट अभी भी 5 रुपये में मिलता है। तो आपके बात सही भी है, मगर एक चीज को ध्यान देना कि 10 साल पहले जो जितने बिस्किट का क्वांटिटी था, क्या अभी भी उतना क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो सोचने वाला बात है कि प्राइस तो ठीक है, क्वांटिटी कम हो गया, क्वांटिटी तो ठीक है, प्राइस कम ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से बिजनेस को चलते रहते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी खुद के जेब से कुछ नहीं भरेंगे, वो आपके जेब से ही कटेंगे। तो बीएससी के ऊपर जो जो न्यूज आया था, जिसके चलते बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करने लगे कि बीएससी सर अभी क्या खत्म होने वाला है, क्योंकि बीएससी को तो बहुत ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। चलो हुआ क्या था वो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि सेबी ने बता दिया कि मान के चलिए 10 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट आप, मतलब 10 रुपये का कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं और जिसका कीमत 100 रुपीज़ है, तो टोटल टर्नओवर कितना होगा? 1,000 रुपया। तो टोटल जो टर्नओवर 1,000 रुपया हो गया, तो पहले क्या कर किया जाता था, जो जितने प्राइस था उस प्राइस के बेसिस में बीएससी को चार्जेस सेबी को देना पड़ता था। अभी सेबी बता रहा है कि नहीं, मुझे आपके प्राइस के ऊपर चार्जेस नहीं चाहिए, मुझे जितने ट्रेड कस्टमर ने किया उस ट्रेड के टोटल वॉल्यूम के ऊपर मुझे चार्जेस चाहिए। तो यही तो बहुत बड़ा हो गया ना, 10 गुना ज़्यादा बीएससी को चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसी के कारण बीएससी के ऊपर बिग फॉल हो गया था। तो सोचिए ये जो चार्जेस है, क्या बीएससी खुद के जेब से भरेंगे? बिल्कुल नहीं। बीएससी ऑब्वियसली खुद के जेब से नहीं भरेंगे, वो पैसा कस्टमर से उठाएंगे। जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसी के जेब से उठाएंगे। देखिए इन्वेस्टर तो एक बार बाई सेल करते हैं तो उसका उतना ज़्यादा चार्जेस नहीं जाएगा। जो लोग मान के चले डेली बेसिस इंट्राडे करते हैं, कितने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करते हैं, उसका चार्जेस तो ज़्यादा होगा, तो उसको चार्जेस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए, बेसिकली ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। और बीएससी के कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा होता तो कंटिन्यूसली वो गिरावट का माहौल दिखाता। क्या कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी देखिए जिस दिन न्यूज़ आया था उस दिन देखिए करेक्शन हुआ था, फिर से रिकवरी भी कर दी है और धीरे धीरे करके ऊपर जाने का भी कोशिश कर रहा है। तो जो मैं ट्रेड यहाँ पे लिया था एक रेंज के बेसिस में, जो कुछ इस तरीके से रेंज बना था, फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए एक बार रिटेस्ट भी करने के लिए आए, और उसके बाद देखिए ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो फाइनली जिस तरीके से वो ऊपर जा रहा है, वो इजिली मुझे लगता है टाइम लगेगा और टारगेट को अचीव करेगा। तो टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, अराउंड 5,069 के आसपास इसका टारगेट है, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1,945 तक। तो 1:30 का टारगेट में लेकर चल रहा हूँ, और इसीलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस मुझे हमेशा अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उनमें से आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने एकदम नाके बराबर होल्डिंग रखे थे, और इस बार म्यूचुअल फंड ने करीबन 8.5% तक होल्डिंग को बढ़ा दिया। और उसी तरीके से एफआईएस के पास भी होल्डिंग कम हो रहा था, अभी एफआईएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया 13% तक, क्योंकि पहले कितना था 7.5%, अभी कितना बढ़ चुके हैं 13% के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो जो सिचुएशन बना है, जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है। तो जो लोग पब्लिक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि चलो इस न्यूज के चलते है कंपनी बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा, उसके लिए बता दूं इस तरीके से न्यूज बहुत बार कंपनी के ऊपर आया है, तो उसका कोई भी फर्क कंपनी के ऊपर नहीं पड़ा, और कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो हमेशा सारी चीजों को सोचकर समझकर काम करिएगा, तभी आपको क्लियर विजन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे वीडियोस जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो एजुकेशन पर्पस में है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस करूँ। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पस में शेयर करना, आपको सारी चीज़ों को समझाना। आपका काम है इस सारे बातों को एक बार रिसर्च करना और खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर बहुत सारे मैंने ट्रेड लिया है, जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर भी किया था। फाइनली मैं इंतजार कर रहा हूँ कब नया ट्रेड बने, तो उससे पहले मैं इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो फाइनली कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है। देखिए कंपनी के यही खासियत पर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, कंपनी किसी भी एक टाइम में पिछले क्वार्टर्स को और पिछले साल को बिट नहीं कर पाया, ऐसे हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को बहुत खासियत के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि एंजल वन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हर टाइम खुद के मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, जो हर टाइम इस कंपनी को रिप्रेजेंट अलग लेवल में करता है। देखिए 276 करोड़ से 340 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट जर्नी किया, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों में ही कंपनी एस्टिमेट को
बिट कर दिया। तो मतलब बेस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक मजेदार बात बता दूँ, कंपनी के ऊपर जो रेशियोज है वो रेशियोज देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 218 दिन लग रहा था, 360 दिन लग रहा था, आज वो सिर्फ 42 डेज है। सिर्फ ऐसे 40 दिनों के अंदर अंदर कंपनी खुद के हाथ में पैसा लेके आ रहा है। मतलब कस्टमर का जो वो पैसा सर्विसेज के हिसाब से दिया, वो पैसा कितने दिनों में कंपनी के हाथ में आ रहा है, सिर्फ 42 डेज में। तो मतलब एक बेस्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है कंपनी की बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जिस सिचुएशन से कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो अभी एक चीज़ को नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 मंथ्स में, फेब्रुअरी मंथ मार्च मंथ में क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दिए। मतलब क्या है, मतलब है कि म्यूचुअल फंड क्वांटिटी ऐड कर रहा है, मतलब कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ सिचुएशन देखने को मिल सकता है। अभी वो सिचुएशन कहाँ तक जाएगा उसके लिए आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था, इस तरीके से कुछ ट्रेड बना था कपूरी धाने पैटर्न का, तब मैंने आपको शेयर किया था और फाइनली वो टारगेट को भी अचीव किया। और नेक्स्ट एंट्री लेवल लेने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पे एक कप बनने का मैं इंतजार करूंगा। कप बनने के बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो ही मैं एंट्री लूंगा, तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि जब तक इस लेवल तक ना जाए। तो कंपनी जो रेंज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, वो रेंज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लेवल को ब्रेक तो किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे करेक्शन कर सक सॉरी ऐसे वो बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड ने इस बार कंपनी हाइस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जो आज तक की सबसे हाइस्ट प्रॉफिट है। तो इस हाइस्ट प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी डिसीजन लिया कि स्प्लिट एंड बोनस कंपनी जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं। तो स्प्लिट एंड बोनस कब लेके आएंगे उसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि जब डेट आ जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए मेरे चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।